तो हेलो गाइस, मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सोलो वैभव को। आज मैं आई लव माय डैड मूवी का रिव्यू करने वाला हूं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो इसमें हमको एक फादर दिखाए जाते हैं जिनके जो रिलेशन है अपने सन से वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, जिसके बाद फादर जो है वो एक लड़की की नकली आईडी बना के अपने ही बेटे से बात करने लगते हैं, जिसके बाद क्या होता है ना और कहानी कैसे कॉमेडी का मोड ले लेती है, ये सब चीज जानने के लिए तुमको इस मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें इसकी कॉमेडी की, तो इसका कॉमेडी यार काफी इंटरेस्टिंग है, जो तुमको काफी जगह हंसाएगा और कुछ कुछ मूवमेंट पे ना यार तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ही आ जाएगी। बात करें इसमें जो कैरेक्टर्स हमको दिखाए गए, जो फादर का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसको जब तुम देखोगे ना तो तुमको काफी ज्यादा मजा आएगा। हमको जो लड़के का कैरेक्टर दिखाया गया है वो थोड़ा शांत सा है, थोड़ा सीरियस सा है और वो अपने फादर को उतना पसंद नहीं करता है, जिसके बाद जो कहानी का जो मोड है ना वो कैसे कैसे डाइवर्ट होता जाता है ना, ये भी देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो लीड एक्टर्स ने अपना काम काफी अच्छे तरीके से किया है और जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनका काम भी ठीक ठाक है। बात करें इस मूवी में जो हमको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिली थी वो भी ठीक ठाक थी और जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी ठीक ठाक सा है। सबसे जरूरी बात, आप ये मूवी अपने फैमिली साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें कुछ छोटे बहुत सीन्स हैं। तो ओवरऑल ये ठीक ठाक सी कॉमेडी मूवी है, आप इसको एक बार तो जरूर देख सकते हो, ये आपको हिंदी में मिल जाएगी। और मुझे बता सकते हो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बहुत अच्छी लग जाए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।